हाँ, ग्रेटिंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था, तो आप देखिए आज हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है कि जिसमें हम कंटिन्यूटी देखें, कोई वर्क उसकी जो कंटिन्यूटी होती है उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और वो प्रेजेंट में होना चाहिए। तो यहां पे जैसे इसके पहले मैं फीचर्स लिखता हूं, फीचर्स इन इंग्लिश। मान लो इंग्लिश में कोई सेंटेंस आता है तो आपको कैसे पता लगेगा, तो उसमें हम करेंगे इज, एम और आर। ठीक है, इज एम आर मिलेगा और आपको अगर उसके फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी मिलेगा, अगर आपको ये मिलता है तो दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम करेंगे इसकी फीचर्स इन हिंदी। मान लो कोई हिंदी का सेंटेंस है तो उसमें हम कैसे पता लगेगा, उसमें हम करेंगे रहा है, रहे हैं और रही है। रहा है, रहे हैं, रही है। ठीक है, तो आपको हिंदी में ये मिले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और इंग्लिश में इज एम आर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी मिले तो वो हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन इंग्लिश। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पे, जैसे मैं लिखता हूं राम स्कूल जाता है, स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, ये कंटिन्यूअस का है, रहा है, रहे हैं, तो हम इसको चेंज करेंगे राम इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इसमें काम हो रहा है वो जा रहा है, कंटिन्यूटी में है, तो कंटिन्यूटी में होगा तो हम यूज करेंगे इज एम आर। अब इसका रूल लिखेंगे सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम और आर, इज करेंगे सिंगुलर के साथ और आर करेंगे प्लूरल के साथ, और जो एम है वो आई के साथ यूज होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है, इसको ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगा मैं। अब आगे देखिए, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस में है राम स्कूल जाता जा रहा है, इसका नेगेटिव बनाएंगे हम, इसकी सरसरी करेंगे हम, इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, राम स्कूल नहीं जा रहा है, राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो यहां पे करेंगे राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो उसमें हम कहेंगे सब्जेक्ट रूल इक्वल्स का प्लस हेल्पिंग वर्ब हेल्प सेम रूल रहेगा प्लस इसमें नो बन जाएगा प्लस नो प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बच्चे सारे बोल लेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नो प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव, तो दो बनाएंगे सिंपल और नेगेटिव। ठीक है, अब हम करेंगे ऊपर अब नेक्स्ट हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब ऊपर देखिए, अब हम करेंगे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम, क्या राम स्कूल जा रहा है, क्या राम स्कूल जा रहा है, और जब भी हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब उसकी आगे आ जाती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इज एम आर, हम कहेंगे इज राम गोइंग टू स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन। हेल्पिंग वर्ब रूल हो जाएगा इसका प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म का वर्ब इन आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू रूल सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई है तो एम। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं कि क्लियर आ रहा है। तो आगे देखो, यहां तक हो गया, अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या राम स्कूल नहीं
नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब यहां पर देखिए इस वर्ब में सब ये यही रूल अप्लाई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नोट, बस यहां पे अपने सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगा लीजिए, बाकी रूल सारा सेम रहेगा। या हम अगर स्पीकिंग के अकॉर्डिंग चले तो इजंट राम गोइंग टू स्कूल, इज के साथ भी आप नोट लगा सकते हो, इजंट राम गोइंग टू स्कूल, ये भी करेक्ट सेंटेंस रहेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल आप यहां ऐसे कर सकते हो, इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब हम करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड, जो डब्ल्यू एच के है वो देंगे। डब्ल्यू एच में हम कैसे करेंगे, जैसे मैं ये सेंटेंस हमारा राम स्कूल जा रहा है तो हम लिखेंगे राम स्कूल कैसे जा रहा है, कैसे कैसे या दिव्यान के लिए राम स्कूल कब जा रहा है, कब जा रहा है, तो ये सेंटेंस भी देता हूं, राम स्कूल कब जा रहा है। अब डब्ल्यू एच का आपको पता है डब्ल्यू एच बोल सकते हैं व्हाट वेयर व्हेन हाउ, ठीक है, तो इसका हम कहेंगे डब्ल्यू एच पर आगे रहेंगे तो कब दिया तो व्हेन करेंगे, व्हेन, अब व्हेन इज राम गोइंग टू स्कूल, व्हेन इज राम गोइंग टू स्कूल, तो हम यहां पे डब्ल्यू एच वर्ड इसका रूल हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड जो भी आप यूज करोगे ओनली टू सेंटेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब, उस सेंटेंस से जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी फिर आप सब्जेक्ट यूज करोगे, के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस सब्जेक्ट और प्लस। तो बच्चों ये थे हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सारे पार्ट हमने कर दे सकते हैं, सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्लस डबल एच वर्ब। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिख लेने के रूल और इसके रूल फिर याद कर लें कि कौन सा सेंटेंस कहां पे अप्लाई होगा और अपने कोडिंग आप जो सेंटेंस बना के अपनी नोटबुक में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।